स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज शिवानी एंड आज हम लोग जो समझेंगे अपने चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में इंड एएस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, इसके पहले हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो उसको समझा, फिर सारे कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ये समझा, उसके बाद हमने पढ़ा IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम समझेंगे इंड एएस क्या होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही, क्योंकि ये निकल के आए हैं तो वहीं से, बट हमें फिर भी इसको जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और आज जो है ये एक इसका एज ए इंट्रो पार्ट है। ठीक है, कि इंड एएस क्या होते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको IFRS में बताया था आपको कि जैसे उसका इंट्रो दिया था, जस्ट लाइक सिमिलर वो भी वैसे ही है कि जो है IFRS का जैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था कि क्या कहते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह, ग्लोबलाइजेशन यानी कि हर चीज का इंटीग्रेशन, सब कुछ ग्लोबल बेस पे हो जाना। आप बिजनेस भी कर रहे हो तो एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अब आप की जो इनकम है वो नेशनल इकोनॉमिक की बजाय इंटरनेशनल इकोनॉमिक हो जा रही है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपको जब आपका अपना बिजनेस ट्रेड आप कर रहे हो दूसरे इंटरनेशनल ट्रेड में, मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ में, तो उस टाइम पे आपको अपनी जो है इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो सब भी शेयर करना होता है, जिससे कि आप उससे जो है अकाउंटिंग कर सको, रिपोर्टिंग कर सको, और सब कुछ एक सेम प्लेटफॉर्म पे हो सके, जिससे कि हम जो है कंपैरिजन कर सके उस कंट्री के साथ, हमारे ट्रेड रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और हमारी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो जब तक हमें एक लेवल पे, एक सेट पे नहीं चीजें पता होंगी, तब तक हमें उसकी अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सबसे पहले जो आया वो आया इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया इस सिचुएशन को देखते हुए, वो था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मगर धीरे धीरे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसको फिर हटा करके जो है, या कह सकते हैं हम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए, जिसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सुपरसीड किया, या फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया, फिर वो आ गया और ये इश्यू किया था आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, यानी IASB ने। तो ये इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे बनाए गए, जो कि सभी कंट्रीज को फॉलो करने होते हैं या अप्लाई करने होते हैं, जिससे कि वो सेम ट्रेड में अपना रिपोर्टिंग जो है बना सके और उसी के अकॉर्डिंग उनकी अकाउंटिंग करी जा सके। ओके, तो फिर इंडिया में भी जो है क्या हुआ, उन्होंने इंड एएस अपना ही उन्होंने स्टैंडर्ड बनाने का सोचा, कि अपने स्टैंडर्ड बनाए जो कि सिमिलर हो IFRS के जैसे। तो फिर इंड एएस रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है, या कह सकते हैं कन्वर्ज्ड है, मतलब कि जो कि बहुत कुछ उनमें सिमिलैरिटी है जो IFRS से बेस है। ठीक है, तो यही एक इसका जस्ट इंट्रो हो गया कि इंड एएस हमारे IFRS से मैच करते हुए बने। इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फिर डिफरेंस नहीं करना पड़ता कि IFRS के लिए अलग रिपोर्टिंग करो और अपने इंडियन उसके लिए अलग, आप सेम बनाओगे, वही आपका इक्वली दोनों जगह पे माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा और अप्लाई भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, हमें इसमें बताया गया कि इंड एएस कैन बी सेट टू बी कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड ऑफ IFRS, मतलब इक्वली है IFRS के, उससे मिलता जुलता है। दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोन एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि यही जो इंड एएस में हमें बताए गए हैं स्टैंडर्ड, उन्हीं को हम इंडियन एएस या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। अब देखिए ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। इंड एएस आर नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड आर एप्लीकेबल टू कंपनीज, मतलब हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में ये नोटिफाइड है, उसमें बताए गए हैं, और ये कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल भी होते हैं, मतलब उन्हें ये फॉलो करना ही करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते समय। तो इन्होंने तीन तरह की तीन बताई है कंपनीज जो ये, जिन पे ये इंड एएस एप्लीकेबल होता है। पहला, कि वो कंपनीज लिस्टेड होनी चाहिए आपके स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जो हमारा इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है उसमें, वहां पे उनका नाम होना चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए वहां पे, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कहता है हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹250 करोड़ और मोर, यानी जो कंपनी आपका पहले तो लिस्टेड हो, दूसरा उस कंपनी का नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ मतलब कि कंपनी की जितनी एसेट्स है उसमें से जो हम लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो नेटवर्थ। तो वहां पे इन्होंने इसकी लिमिट्स बता दी कि वो नेटवर्थ आपकी 250 करोड़
या फिर उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अगर इतनी या इससे ज्यादा है तभी उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होगा। ओके, फिर कहता है एंड, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा है यानी कि ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी जरूरी है। वन वन से नहीं काम चलेगा कि 250 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, दूसरा कि दे आर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर कंपनीज होनी चाहिए। मतलब ऐसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी भी होनी चाहिए, सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट होना चाहिए और वो लिस्टेड होनी चाहिए। मतलब तीनों कंडीशन साथ में कंप्लाई होनी चाहिए तभी इंड एस एप्लीकेबल होगा। आगे ये कह रहा है बिसाइड द अबव कंपनीज, मतलब इन कंपनीज के अलावा ये दोनों तो साथ में चलेगी, लेकिन अगर लिस्टेड नहीं है और ये कंडीशन है तो भी वो चल जाएगा, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ इतनी नहीं है लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो भी उसे कवर करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों तो साथ में होना चाहिए और ये इंडिविजुअल भी वर्क करेगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है बिसाइड द अबव अबव कंपनीज अदर कंपनीज में अडॉप्ट इंड एस वॉलेंट्री, मतलब कि इन कंपनी को छोड़ के और भी कोई कंपनी जो है चाहे इंड एस अप्लाई करना तो वो वॉलेंट्री भी अप्लाई कर सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर हो, कुछ और भी अदर कंपनी जो अप्लाई करना चाहे वॉलेंट्री उसको अप्लीकेबल अपने कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया इंड एस का। आगे हम इसमें एक डिफरेंस भी देख लेते हैं कि हमारे इंड एस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों हमारे इंडिया के ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमारे इंडिया का ही है और इंड एस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंडिया का ही है। बस ये है कि वो सिमिलर है IFRS के और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्लासिकल स्टैंडर्ड है, वो सबसे पहले वही बने थे उसके बाद इंड एस आया, ठीक है। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं और मैं आपको बता दूं ये डिफरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो हमारा IFRS और इंड एस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिफरेंस थे उसी की तरफ वो भी ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो चलिए देख लेते उसको भी हम लोग एक बार। देखिए अब हमें यहाँ पे दो डिफरेंस बताए गए हैं हमारे इंड एएस में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में, ठीक है। और यही दो डिफरेंस हमें IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस के बीच में भी बताया गया, तो सेम वही डिफरेंस यहाँ पे भी है। बस ये था वहां पे 9 एरियाज और बताए थे कि जहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ दो प्रिंसिपल डिफरेंस बताए गए वही है। पहला डिफरेंस है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिंसिपल बेस्ड वाइल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल बेस्ड, ठीक है। यही डिफरेंस हमारा IFRS और उसके बीच में भी था, यहाँ की ये हमारे IFRS प्रिंसिपल बेस है जबकि इंड एस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस है। अब इन्होंने सेम वही चीज लिख दी है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे प्रिंसिपल बेस्ड है जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे रूल बेस्ड है, ठीक है। इसमें इन्होंने यही बताया कि रूल बेस में क्या होता है कि उसमें हमें एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब होता है कि बैलेंस शीट हमें किस फॉर्मेट में बनानी है और ये फॉर्मेट हमें प्रेस्क्राइब है हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट बताया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी बैलेंस शीट को बनाना होता है। यानी कि उन कंपनीज पे जिनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं होता है वो इस फॉर्मेट को फॉलो करती है अपनी बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए, ठीक है। और हमारा जो इंड एस है वो ये फॉर्मेट के बारे में कुछ बात ही नहीं करता है। उसमें ये बताया गया है कि उसके जो प्रिंसिपल में बताया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा उसमें ये था कि आपको जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके शेड्यूल 3 में बताया कि कंपनीज एक्ट को जो आपको शो करना होता है वो आपको शेयर कैपिटल के हेड में शो करना होता है, जबकि इंड एस या फिर IFRS में ये बताया है कि ये आपके शेयर कैपिटल नहीं होते हैं, ये लोन होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे आपको एक फिक्स रेट का डिविडेंड देना होता है और जो है इसको जो रिडीमेबल करना होता है ये भी एक अप टू लिमिट तक ही होता है कि यहां तक की ही लिमिट तक आप इसको इश्यू कर सकते हो, जिसका एक टाइम पीरियड होता है वो है 25 ईयर्स। मतलब इससे ज्यादा ऊपर के आप रिडीमेबल शेयर को इश्यू नहीं कर सकते हो, इसी के अंदर के ही प्रिफरेंस शेयर जो होने चाहिए वही आप इश्यू कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हुए क्योंकि आपको एक तो फिक्स रेट पे इस पर डिविडेंड देना होता है इस वजह से ये लोन की कैटेगरी में आता है और इंड एस में आपको इसे लोन के अंडर द हेड लोन में इसको शो करना होता है, ठीक है। उसके ये प्रिंसिपल में प्रेस्क्राइब है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया कि ये प्रिंसिपल बेस है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका रूल बेस है, ओके। सेकेंड डिफरेंस ये कह रहा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट, मतलब कि हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें भी जो कॉन्सेप्ट है वो है फेयर वैल्यू के बेस पे, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चलता है। तो फेयर वैल्यू के बेस पे क्या हो जाता है
कि अगर हम फेयर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये हो जाता है कि असेट्स और लाइबिलिटीज जो भी हैं उनका जो वैल्यूएशन होगा वो फेयर वैल्यूज के बेस पे होगा। यानी कि उस केस में क्या होगा कि आप डेप्रिशिएशन नहीं चार्ज कर पाओगे, क्योंकि डेप्रिशिएशन जो चार्ज होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि क्या होता है कि हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन का रेट हम कंसिडर करेंगे, और जिस दिन हमारी बैलेंस शीट बन रही है उस लास्ट डेट में हम उसका देखेंगे कि वैल्यू क्या चल रहा है उस असेट या उस लाइबिलिटी का, फिर देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, या अगर मतलब घट रहा है तो डेबिट है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे अपने पीएनएल अकाउंट में। इस तरह से हम इसको शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे दोनों डिफरेंस कवर हो गए हैं इंड एएस। पहला तो प्रिंसिपल बेस है, हमारा प्रिंसिपल बेस है, और दूसरा कहता है कि फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस है आपका, और ये आपका इधर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का जो है क्लास समझ में आया हो, वीडियो लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इंट्रो दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, दूसरा मैंने आपको डिफरेंस बताया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में। तो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको एज सून एज पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा क्लास समझ में आया तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस के। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।